देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? सबसे पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? ज्योमेट्री तो तुम लोग पढ़े हो, ट्रायंगल सर्कल में आप लोगों ने पढ़ा है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में समझना होगा। कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले वर्ड ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट्स आगे यूज होने वाला है। कार्टेशियन प्लेन कहने का मतलब एक्स वाई प्लेन, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन जो ड्रॉ करते हो आप लोग, यह हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, इसे कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। और डायमेंशनल कितने होंगे? एक्स और वाई है, तो इसको कहा जाता है टू डायमेंशनल। हायर क्लास में थ्री डायमेंशनल भी पढ़ोगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यह दो प्लेन्स हमारे पास, इसे कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। यहां पे ओरिजिन होता है, हमने पॉइंट मार्क करते हैं, यहां पे राइट की ओर, ओरिजिन से राइट की ओर पॉजिटिव होगा, वन टू थ्री फोर एंड सोन, इस तरीके से चलेगा। इधर क्या होगा? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, यही होगा ना? बोलो। और ओरिजिन से एबव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओरिजिन से बिलो नेगेटिव, यही होगा। तो हमारे पास यह हो गया वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, जो नॉर्मल ग्राफ पे ड्रॉ करते हो। अब हमारे पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स हैं। अब मान लिया कि मैंने पॉइंट कहा, यहां से यहां तो एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट का डिस्टेंस है? फोर। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है फोर, या पॉइंट है एक्स एक्सिस से राइट, यानी कि ओरिजिन से राइट की ओर एक्स एक्सिस पे फोर यूनिट डिस्टेंस पर है, यही होगा, मतलब यही हुआ। तो अगर y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 4 यूनिट। ओरिजिन से y एक्सिस से हमारे पास कितना यूनिट का डिस्टेंस है? तो हम यहां पे कह सकते हैं कि 4 यूनिट से इस पॉइंट का, किस पॉइंट का? इस पॉइंट का कितना यूनिट डिस्टेंस है? 4 यूनिट। अब इसे कहा जाता है एब्सिसा। क्या कहेंगे? एब्सिसा। वाई एक्सिस से एक्स वाई एक्सिस से कितनी यूनिट पे डिस्टेंस है? कहां पे? ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है? पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सिसा। और इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, फोर कॉमा, यहां पे वाई कितना होगा? वाई जीरो होगा। एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लेते हैं? जीरो। अब यहां पे, अब मान लिया मैंने फोर यूनिट ए ले लिया वाई एक्सिस पे, तो यह किस एक्सिस से डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस से यह फोर यूनिट का डिस्टेंस है कि नहीं है? एक्स एक्सिस से यह फोर यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो इसे क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। क्लियर है? एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, उसको क्या कहेंगे हम? एब्सिसा। और इसे क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। तो यहां पे जो यह एक पॉइंट का पोजीशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? किसी भी पॉइंट का
किसी भी, यह भी एक पॉइंट है, मान लिया यह पॉइंट मैंने ए दे दिया, यह पॉइंट मैंने बी दे दिया, ए पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है ऑन एक्स एक्सिस, तो ए हमारे पास पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट का पोजीशन एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से क्या है, तो उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे हम? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है? अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पे, मान लो ए पॉइंट हमने ले लिया, ए पॉइंट 2.2 यह पॉइंट देखो, यह हमारे पास यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, यानी हमारे पास यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से हमारे पास 2 डिस्टेंस है कि नहीं है? ये हमारे पास एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो यह 2 ए बताएगा, क्या बताएगा, क्या बताएगा इसमें, एब्सिसा नहीं, ऑर्डिनेट बताएगा, क्या बताएगा, ऑर्डिनेट बताएगा। और अगर यह वाई एक्सिस से यह डिस्टेंस होगा 2 यूनिट, मान लो ए भी है, 2.2 लिया हमने, तो एक मिनट इसको सही तरीके से प्लॉट कर दें जरा, यह पॉइंट हमारा हो गया, यह पॉइंट हो गया, देखो यह y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, x सॉरी 2 यूनिट, या 2 यूनिट है, और हमारा यह हमारा यहां से यहां तक का कितना है 2 यूनिट, ये हो गया x एक्सिस पे, ये कितना है, ये हो गया 2 यूनिट, तो ये हमारे पास 2 है, इसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ, अब मान लिया इसको मैंने ले लिया बी, बी एक पॉइंट है, बी का पॉइंट का पोजीशन क्या है, बी के पॉइंट का पोजीशन क्या बता रहा है, एक्स यानी वाई एक्सिस से वह 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस से वह 2 यूनिट का डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितनी यूनिट के डिस्टेंस पर यह पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अब इसको मान लिया एक जनरल वे में हम कह सकते हैं, अगर इसको जनरल वे में कहा जाए, यह मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मैंने एक पॉइंट ले लिया, यह एक्स कॉमा वाई है, यह क्या है, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई कहने का मतलब यह एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, किससे, वाई एक्सिस से, और यह वाई एक्सिस, वाई यानी एक्स एक्सिस से यह पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, वाई पे, दिस इज कॉल्ड एब सीसा, इसे क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, एब्सिसा, और ये बन जाएगा ऑर्डिनेट। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम क्या क्या बना सकते हैं, अगर ए तो एक पॉइंट लिया, अगर दो पॉइंट लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, दो पॉइंट होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, सर्कल भी बन सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट के सराउंडिंग सारे पॉइंट्स को मिला दें इक्वल डिस्टेंस पे, क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। हम क्वाड्रिलैटरल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, पॉइंट से हम क्या क्या चीज़ नहीं बना सकते, लाइन क्या है, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, है कि नहीं, लाइन क्या है,
सेट ऑफ पॉइंट्स है, और सर्कल क्या है, दैट इज ऑल्सो द सेट ऑफ पॉइंट। अगर हम सर्कल बनाते हैं, क्या है यह सर्कल, एक पर्टिकुलर पॉइंट के और सराउंडिंग अगर इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम पॉइंट का मूवमेंट करा दें, क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज अ सर्कल। मतलब यह सर्कल का भी हम यहां पे मेजर कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हमारे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया भी निकाला जा सकता है। अगर मैंने कहा कि तीन पॉइंट दे दिया और कहा कि तीनों पॉइंट को मिलाओ, क्या बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि तीन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल भी आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास रेक्टेंगल भी आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल भी आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल भी आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला भी आएगा, जो 11th क्लास में आप लोगों को सर्कल पैराबोला स्ट्रेट लाइन 11th क्लास में पढ़ना है। यहाँ पे सिंपल बेसिक है, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट से डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस के बाद डिस्टेंस फार्मूला एक हो गया, और दूसरा हम लोगों का है सेक्शन फार्मूला। दो चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़ने, और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन 100% रहेगा। तो चलो अब इसको आगे हम लोग कॉपी करो फटाफट जल्दी से। हो गया, चलिए डिस्टेंस फार्मूला हेडिंग डालोगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला सिंपल सी बात है। डिस्टेंस फार्मूला कहने का मतलब, अगर कोई भी लाइन के दो पॉइंट्स मुझे पता हो तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। सिंपल सी लॉजिकली जरा ध्यान देना आप लोग, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, एक्स डैश, और यह वाई डैश है। अब यहां पे हमने मार्क किया पॉइंट वन टू
थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू, वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यहां पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे, टू कॉमा जीरो, यही होगा टू कॉमा जीरो। एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, मान लो ये टू कॉमा थ्री है। अब बेटा मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, अब देखो जरा, अगर मैं नॉर्मली मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अभी, देखो ये वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस पे वन यूनिट पॉइंट, टू यूनिट और थ्री यूनिट पॉइंट पे, यही पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, थ्री यूनिट। अगर इसी तरीके से मैंने क्या किया, अगर एक एक्स एक्सिस के जगह पे, सॉरी मैंने एक एग्जांपल लिया, अगेन हमने पैरेलल टू, यह वन है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, कितना हो जाएगा हमारे पास। मान लिया यह मैंने एक लाइन यहां से पास करा दिया, ठीक है। अब मुझे एक पॉइंट यहां पे है, यह पॉइंट है फोर कॉमा थ्री। अब बताओ यहां से यहां तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए, या किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के बाद वन यूनिट, टू यूनिट, थ्री यूनिट और एक्स एक्सिस पे हमने लिया, तो एक्स एक्सिस के लेंथ पे हमारे पास ये फोर यूनिट हो गया। ये सिचुएशन क्या था, यह पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, यह पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आप यहां पे तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों पॉइंट पे यहां पे, यहां पे एक्स की वैल्यू कितना होगा, जीरो और थ्री, फोर में से जीरो माइनस कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। यहां पे पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, तो वाई यूनिट पे है, तो वाई यहां कितना है, जीरो, यहां पे कितना है, थ्री, वाई एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट कितना है, थ्री है ना, तो जीरो, थ्री में से जीरो माइनस करेंगे कितना आ गया, थ्री, थ्री आएगा ना, ये थ्री यूनिट्स यही बन रहा है। इस सिचुएशन क्या है, एक पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है और दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल ना हो तो, पैरेलल ना हो तो उसके अकॉर्डिंग भी तो सिचुएशन बनेगा। अब पैरेलल नहीं है तो उस केसेस में हमें फार्मूला बनेगा, फार्मूला के आधार पर हम पैरेलल हो चाहे नॉन पैरेलल हो, तो उस केसेस में हमारे पास निकाल सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दो, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, ध्यान देना, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज सेम होगा। मान लो यहां पे वन है, तो ये कितना होगा, वन कॉमा थ्री होगा, यह पॉइंट क्या होगा, टू कॉमा थ्री होगा, यह क्या हो गया, थ्री कॉमा होगा कि नहीं होगा। देखो ऑर्डिनेट सेम चल रहा है, ऑर्डिनेट सेम होगा। यहां देखो इस पे क्या है, जीरो कॉमा थ्री, इस पे क्या है, इस पे क्या है, वन कॉमा थ्री, इस पे क्या है, टू कॉमा थ्री, इस पे क्या है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऑर्डिनेट सेम रहेगा, कोऑर्डिनेट की बात नहीं, ऑर्डिनेट सेम रहेगा। अगर हमारे पास कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एब्सिसा सेम होगा। देखो यह पॉइंट क्या बनेगा बताओ, टू कॉमा वन, यह पॉइंट क्या बनेगा, सॉरी यहां वन कॉमा वन या टू कॉमा, सॉरी नहीं नहीं नहीं, यह पॉइंट टू कॉमा वन, यह क्या हो जाएगा, टू कॉमा टू, ये क्या हो गया, टू कॉमा थ्री। देखो आप सीसा सेम है कि नहीं है, अगर कोई भी लाइन
अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है तो एब्सिसा सेम होगा, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, ऑर्डिनेट सेम होगा। क्लियर हो गया? पॉइंट के पोजीशंस, अगर वह कोई, अगर हम कोई भी डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएं तो उस केसेस में आपको पोजीशन सेम आएगा। तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। सिंपल सी बात है, देखो चेंज करेगा लैंग्वेज, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अगर हमारे पास कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यानी ऑर्डिनेट सेम रहेगा। क्लियर है? चलिए अब अगर हमारे पास कैसे अब अलग निकालेंगे फार्मूला, चलिए अगर हमने पहला एक डायग्राम ले रहे हैं, सॉरी पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ए लाइन distance between two points distance between two points A whose coordinate x1 y1 and B and B x2 y2। अब इसका हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट, सॉरी डिस्टेंस निकालना है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन पे ध्यान दोगे, मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, यह ए है, दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया यहां बी, यह बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसके बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, इसके बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना। अब न यह पैरेलल है किसी के एक्सिस के, पैरेलल नहीं है। अब चाहे पैरेलल हो चाहे ना पैरेलल हो, यह सभी के कंडीशन में हम इसको निकाल सकते हैं। अब इस ए पॉइंट का पोजीशन बताना जरा, ए पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, यहां से डिस्टेंस क्या होगा, ए क्या डिस्टेंस बनेगा, x1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। x1 क्या बता रहा है, y एक्सिस से x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पर है, और यह क्या बताएगा यहां से यहां तक, y1 बताएगा, बताएगा कि नहीं बताएगा, ठीक है। अब यह पॉइंट बताओ ओरिजिन से क्या आएगा, यहां से क्या है बनेगा, ये x2 होगा ना, बोलो। और यहां से मेरा क्या बनेगा, ये y2 बनेगा, ठीक है। अब x1 y1 x2 y2 सब हमने निकाल लिया, कैसे निकाला, कोऑर्डिनेट के इस पॉइंट के पोजीशन के आधार पर, और मुझे चाहिए AB, चाहिए ना। अगर मुझे AB चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, यहां पे इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे क्या बन जाएगा, वो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने नाम दे दिया इसका पॉइंट C।
सी, इसको क्या दे दिया नाम सी, और इसको नाम दे दिया मैंने डी, और इसको नाम दे दिया ई, ठीक है। अब बताओ यह ओरिजिन है, ओडी का डिस्टेंस कितना होगा, ओडी का डिस्टेंस बताओ, ओडी का डिस्टेंस एक्स वन है और ओई का डिस्टेंस कितना है एक्स टू है, ठीक है। अब डीई का डिस्टेंस कितना होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, यह हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। अब सीई का डिस्टेंस कितना होगा, अब देखो एडी और सीई पैरेलल है तो एडी और सीई का डिस्टेंस बराबर होगा, तो सीई कितना हो जाएगा मेरा, ये वाई वन ही रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मेरा, अगर मेरा यहां पे अगर मेरा एडी का डिस्टेंस वाई वन है और सीई हमारे पास बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये भी वाई वन होगा। अब बताओ बीसी कितना होगा, बीसी का डिस्टेंस बता सकते हो वाई टू माइनस वाई वन, यही होगा ना। अब एसी का डिस्टेंस कितना होगा, एसी का डिस्टेंस डी के बराबर होगा कि नहीं होगा, कितना बन जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, नहीं बनेगा। अब बताओ, अब यहां पे ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे ए सी मिल गया, मुझे बी सी मिल गया, ए भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, हेयर एडी कितना है हमारे पास, एडी इक्वल टू वाई वन है कि नहीं है, ओडी इक्वल टू एक्स वन है, ओडी ओडी है कि नहीं, एक्स वन, डेटा लिखो, डेटा लिखो पहले उसको, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा ओई, ओई कितना है एक्स टू, और बीई कितना है वाई टू, यही डेटा है। चलिए अब इतना डेटा हमने पहले निकाला हुआ था, अब डायरेक्टली लिखते चलेंगे क्या क्या हमारे पास होगा। अब बताओगे डीई और एसी बराबर है कि नहीं है, डीई इज इक्वल टू एसी कितना हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, यही निकाला हुआ है कि नहीं निकाला हुआ है, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, देखोगे एडी और सीई बराबर है, एडी और सीई बराबर है, एडी इक्वल टू सीई है, तो उसके आधार पर बीसी कितना हो जाएगा, बीसी इक्वल टू कितना हमने निकाला है वाई टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन। इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा, देखोगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस कैसे, क्या लगाया मैंने, कैसे लगाया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब बताओ एसी का स्क्वायर, एसी हमने निकाला है क्या, एसी निकाला है नहीं निकाला है, एसी कहाँ है हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यही होगा। बीसी निकाला है क्या हमने, वाई टू माइनस वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यही होगा। ये आ गया ए बी का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यही होगा। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला, ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला फटाफट कॉपी करोगे इसको, हम हो गया। अब एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फोर कॉमा सेवन बिटवीन पॉइंट्स फोर कॉमा सेवन एंड थ्री कॉमा टू, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला ध्यान रखना है, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला क्या कहेगा,
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही है, यही फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग पुट कर देते हैं, क्या आएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब बताओ x1 क्या है आपके पास, 4. x1 आपके पास 4 है, दिस इज द x1, यही है ना, यह क्या है y1, यह क्या है x2, और यह क्या है y2, यही लिखोगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही लिखोगे, प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यही होगा। क्या रिजल्ट आएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस फाइव का कितना हो जाएगा, वन प्लस 25 इज इक्वल टू यूनिट्स। डिस्टेंस का मेजरमेंट ऑलवेज यूनिट होगा, ध्यान रखना, क्या लिखेंगे, दिस इज इतना यूनिट्स है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला एग्जाम्पल, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। फाइंड आउट करो, क्या होगा, क्या रहे हैं, देखो हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही आएगा। चलिए अगर हम लोगों ने यहां पे, यह मेरा x1 है, यह क्या है y1 है, और यह मेरा x2 है, यह मेरा y2 है, क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस
ए का होल स्क्वायर यही होगा प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करो जरा क्या हो जाएगा, माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू बी का होल स्क्वायर यही आएगा ना। अब देखो क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर। क्या लिखोगे आप, फोर कॉमन ले लिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या लिखोगे, फोर से स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो टू हो जाएगा, टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर ठीक है, कोई डाउट बोलोगे यहां तक। अब देखो ये तो हमने डिस्टेंस निकाला, अब इसी डिस्टेंस से ट्रायंगल को पता कर सकते हैं कि यह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये मेरा क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है या मेरा स्केलेन ट्रायंगल है, यही होगा ना। अगर आपके पास डिस्टेंस पता हो लाइन का जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, ट्रायंगल भी तो बनेगा, तो क्या बनेंगे जो स्ट्रेट लाइन से जो हमारा शेप बनेगा, तो हर स्ट्रेट लाइन तीन स्ट्रेट लाइंस का जो शेप बनता है वो क्या बनेगा, हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा, हर स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास करेगा है। तो अब ट्रायंगल से हम पता कर सकते हैं हर का, मान लीजिए ए बी सी है ट्रायंगल, ये मेरे पास है, मैंने ले लिया है ट्रायंगल ए बी और सी, ये मेरा ट्रायंगल है। अब यह ट्रायंगल ध्यान दोगे, अगर हमारे पास यह ट्रायंगल है तो ए बी का डिस्टेंस निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता हो, ए का कोऑर्डिनेट पता हो और सी का कोऑर्डिनेट पता हो, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और ए सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर मुझे ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकाल लिया, देखा कि मेरा दो साइड बराबर है, क्या बन जाएगा वो, दो साइड का लेंथ बराबर है, क्या बनेगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, यही बनेगा ना। अगर मेरा देखा कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, क्या हो गया, तीनों साइड्स का हमारे पास डिस्टेंस जो हमने पॉइंट निकाला क्या हो गया, हमारे पास तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल हो गया, तीनों इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो आप स्केलेन कहोगे या राइट एंगल ट्रायंगल भी चेक करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल भी, तो अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं, होते भी हैं, दो साइड्स बराबर होता है, एक होता आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, मतलब जिसका बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो, बेस और परपेंडिकुलर का लेंथ बराबर हो तो आपको राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। लेकिन अगर स्केलेन है हमारे पास, तीनों साइड्स अलग अलग है तो हो सकता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म करेगा, लेकिन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि वो तीन साइड तीनों बराबर नहीं है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा कि आपको स्केलेन वर्ड नहीं दिया, इक्विलैटरल दे दिया, क्या दे दिया आपको, राइट आइसोसेलेस दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, नन ऑफ दीज दे दिया, तो तीनों साइड्स बराबर नहीं है और स्केलेन ऑप्शन में नहीं है, तो क्या देखोगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल चेक करेंगे, दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम तीसरे जो लार्जर होगा उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है, दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर का सम तीसरा जो लार्जर है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है कि नहीं होता है, तो यह आपको बिना चेक किए हुए नहीं करना होगा। तो इस पॉइंट इस डिस्टेंस फार्मूला से आप ट्रायंगल के नेचर को पता कर सकते हो, इसी डिस्टेंस फार्मूला से आप अगर मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप है तो या तो वह रेक्टेंगल होगा या तो वह स्क्वायर होगा
या तो रॉम्बस होगा, या तो क्वाड्रिलेटरल होगा, या तो ट्रेपीजियम होगा, ऐसा ही तो होगा शेप ना। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए अगर हमें देखना, अगर मान लिया अब मैंने मान ली एक शेप ले लिया मैंने यहां, ठीक है। अब बताओ क्या है, स्क्वायर है कि नहीं है, दोनों साइड्स बराबर है कि नहीं है? ये मेरा सारे साइड्स बराबर है मान लो। तो अगर यही कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ए कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट दिया हुआ है, और यह डी पॉइंट दिया हुआ है, यही है। ए का कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ होगा, बी का कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ होगा, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा, और डी का कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा, दिया हुआ होगा कोऑर्डिनेट। अब मुझे पता करना है यह किस, यह क्वाड्रिलेटरल का नेचर, क्वाड्रिलेटरल है अगर चारों साइड्स बराबर हो गए तो क्या कहोगे, चारों साइड्स तो स्क्वायर कहोगे। तो रोम्बस में भी यह कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रोम्बस में भी तो चारों साइड्स बराबर होता है, तो हम रोम्बस कहें कि स्क्वायर कहें, बात आई समझ में? चारों साइड्स अगर बराबर हो गया तो आप कह सकते हो कि ये स्क्वायर है, लेकिन चारों साइड्स बराबर होने के बाद तो रोम्बस भी हो सकता है। तो मुझे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे आप डायगोनल लोगे, क्या डायगोनल, डायगोनल क्या होगा हमारा, बीडी और एसी डायगोनल हमारे पास क्या होने चाहिए, अगर बराबर आ गया, डायगोनल बराबर हो गया तो अब क्या बनेगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो रोम्बस, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन इस तरह का होगा। अब आते हैं बात हमारे पास, दूसरा शेप लेता हूं मैं, अब बताओ रेक्टेंगल शेप में है, ये तो पैरेललोग्राम भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, रेक्टेंगल्स भी होंगे और अब इन दोनों में जस्टिफाई कैसे होगा, साइड्स तो रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम्स के दोनों के, अगर दोनों के अगर अपोजिट साइड बराबर हैं तो पैरेललोग्राम में भी दोनों के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो कैसे पता करें कि पैरेललोग्राम है कि वो रेक्टेंगल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर डायगोनल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, रेक्टेंगल का डायगोनल बराबर होता है कि नहीं होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल बराबर होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल बराबर नहीं होता है, क्लियर हो गया। तो ट्रायंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में और रोम्बस, रोम्बस के बारे में, इस तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलोगे, अभी भी कोई डाउट नहीं है? चलिए, ये आप लोगों का एक्सरसाइज में जितना भी अब क्वेश्चन हो उसको करना है, पहले डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है।